हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल पांडा। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रक्षाबंधन की छुट्टियों में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, एज वेल एज करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा होगा। और यदि करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो रक्षाबंधन के आगे और पीछे क्या हुआ, क्या चल रहा है, ये सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम वापस से लेके आ गए हैं आपके लिए एमपी करंट अफेयर का एक और न्यू लेक्चर। जी हाँ, जिसमें आप और मैं साथ में मिलकर क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर एमपी से रिलेटेड जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, एज वेल एज 10 जो है हम एमपी जीके से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारी वर्ड सीरीज का 26 लेक्चर है और आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छी बात है। फटाक से अपना पेन और पेपर ले लीजिए ताकि हम लोग जो है हमारी सीरीज को स्टार्ट कर सके, आगे बढ़ा सके। चलेगा, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल परफॉर्म भूमि पूजन ऑफ हनुमान लोक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ महाकाल लोक, कि महाकाल लोक की तर्ज पर किस जिले में हनुमान लोक का भूमि पूजन करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। देखिए, अभी ये लोक वाला फंडा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, राइट? महाकाल लोक बना है कहाँ पर, आप जानते हैं, उज्जैन में ही बनेगा। एक और लोक जो है वो ग्वालियर में बना है, और वो कौन सा है वो आपको फटाक से कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको उसके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है हनुमान लोक जो है वो कहाँ पर बनने वाला है, कहाँ पर उसका भूमि पूजन जो है इनॉग्रेशन उसका जो है किया जाने वाला है, कहाँ पर किया जाने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो महाकाल लोक बनने वाला है, महाकाल लोक सॉरी, अब ये जो हमारा हनुमान लोक बनने वाला है बेटा, ये बनने वाला है छिंदवाड़ा में। कहाँ बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कहाँ बनने वाला है ये, छिंदवाड़ा में बनने वाला है। जी हाँ, है ना, इससे पहले महाकाल लोक उज्जैन, और ग्वालियर में कौन सा लोक बना है वो मुझे फटाक से कमेंट करके आप बता दीजिए। चलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिटेल ले लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस्ड टू मेक हनुमान लोक इन द असेंबली सेशन। हनुमान लोक विल बी बिल्ड इन द वर्ल्ड फेमस जैनथनवाली टेम्पल इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 314 करोड़ रुपए की लागत से ये लोक बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मध्य प्रदेश 6th एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट जो है कहाँ बनने जा रहा है। इससे पहले यदि मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में पूरे 5 एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर है ये 5 एयरपोर्ट, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा कहाँ पे भाई, जबलपुर। हाँ भाई, जबलपुर। उसके बाद आप ले लीजिए इंदौर, है ना, भोपाल, जबलपुर इंदौर भोपाल हो गया, खजुराहो। हाँ, इसे भी जो है वैसे जो है यहां से कोई इंटरनेशनल उड़ाने नहीं ली जाती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको यहाँ से नहीं मिलती है, डोमेस्टिक ज्यादा रहती है। और एक और कौन सा है भैया, ग्वालियर, है ना, कौन सा है भैया, ग्वालियर। तो ये कुछ जो है एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, जबलपुर है, खजुराहो, इंदौर का आप जानते क्या है, देवी अहिल्या है, भोपाल में आप जानते हैं राजा भोज है, और ग्वालियर में कौन सा है तो सिविल एनक्लेव करके यहाँ का जो है एयरपोर्ट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स कहाँ पर हैं तो ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है बेटा, गुजरात में। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो है वो गुजरात में, लगभग 9 एयरपोर्ट जो है गुजरात में है। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया अब एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा दतिया में बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है, अब जो एयरपोर्ट बनने वाला है वो दतिया में बनने वाला है। इनमें से केवल 2 ऐसे हैं जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, ये जो हमारे 5 एयरपोर्ट सभी हैं, इनमें से केवल 2 ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है। एक इंदौर है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको मिलती है, दूसरा भोपाल है, लेकिन भोपाल में क्या है मैंने आपको पहले बताया, सीजनल इंटरनेशनल है ये, है ना, बिल्कुल सीजन में ही यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती है, अदरवाइज इंदौर से होती है। चलेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है आपसे। माँ पीताम्बरा सिटी दतिया, बहुत बड़ा मंदिर है माँ पीताम्बरा का, इज गोइंग टू गेट अ बिग गिफ्ट। ओके, सीएम शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मध्य प्रदेश 6th एयरपोर्ट हियर। लेट अस इन्फॉर्म दैट एट अ प्रेजेंट देयर आर अ टोटल ऑफ 5 एयरपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश। द 6th एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट इन दतिया, ड्यू टू विच द डेवोटीज हु कम टू विजिट माँ पीताम्बरा विल गेट कन्वीनियंस। भाई बहुत सारे डेवोटीज वहाँ पे आते हैं, ना, बहुत बड़ा मंदिर है दतिया में, बहुत सारी घूमने की जगह है। अभी जब हम आगे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने वाले हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। चलेगा, आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जंग आजादी का सफरनामा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। मध्य प्रदेश के किस जिले में जंग आजादी का सफरनामा का आयोजन किया जा रहा है, जंग आजादी का सफरनामा ये कहाँ किया जा रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है भोपाल में। रिसेंटली भोपाल में कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ इवेंट्स हुए, जैसे बादल राग समारोह हुआ है। क्या हुआ बेटा? बादल राग समारोह हुआ है। बादल राग समारोह कहाँ हुआ है भैया? यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो बता दीजिए कहाँ पर हुआ, भोपाल में हुआ। और कब से कब तक चला है ये? लगभग 4 डेज चला है, 24 से लेकर तो 27 अगस्त तक 3 डेज जो है ये चला है। बादल राग समारोह कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। दूसरी चीज क्या हुआ? हिंडोला, हिंडोला उत्सव जिसे कहा जाता है ना, हिंडोला उत्सव भी कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। वैसे हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में। लेकिन हिंडोला उत्सव कहाँ मनाया गया है भैया? भोपाल में मनाया गया है। सावन शिल्प मेला भी लगा है, है ना? सावन शिल्प मेला कहाँ पर लगा है भैया? भोपाल में लगा है। और भोपाल में भी कहाँ पर लगा है? तो गौहर महल में, ध्यान रखना, गौहर महल में। ये कुछ चीजें हैं जो हाल ही में भोपाल में हुई है, है ना? और ये जो चीजें हैं, देखिए कई बार आपसे मेला पूछ लिए जाते हैं, उत्सव पूछ लिए जाते हैं, समारोह पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीजों को भी आपको साथ में ध्यान रखना। क्या क्या हुआ रिसेंटली, क्या क्या हुआ भोपाल में? फर्स्ट तो जंगे आजादी का सफरनामा का आयोजन हुआ है, दूसरा बादल राग समारोह हुआ है, तीसरा हिंडोला उत्सव हुआ है, चौथा सावन शिल्प मेला जो है यहाँ पर लगाया गया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस टू मेक विच तहसील ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ए डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी की किस तहसील को जिला बनाने की घोषणा की है? कौन सी तहसील जो है जिला बनने वाली है? हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला भी बन चुका है, जिसको हमने पढ़ लिया है। कौन सा? मऊगंज। मऊगंज के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली है ना। अब शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है कि शिवपुरी की जो एक तहसील है वो अलग होकर अपने आप में एक जिला बनेगी। अब वो जिला कौन सा होने वाला है? तो भैया ये चारों के चारों जो है इनमें आप देख सकते हैं, चारों के चारों जो क्या है शिवपुरी की तहसीलें हैं, इनमें से कौन सी तहसील है जो जिला बनने वाली है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, पिछोर। कौन सी है वो? पिछोर जो तहसील है वो अब जिले बनने की तैयारी में है आगे। जी हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स ले लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन मंडे मेड अ फ्रेश अनाउंसमेंट टू मेक पिछोर ए न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। इट विल बी 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? 54वीं एमपी की डिस्ट्रिक्ट है। 53वीं कौन सी बनी है? मऊगंज बनी है। किससे अलग हुई है? रीवा से अलग हुई है। 54th कौन सी बनने वाली है भैया? पिछोर बनने वाली है। किससे अलग होगी? शिवपुरी से अलग होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मां रतनगढ़ लोक विल बी बिल्ट। भैया एक और लोक बनने वाला है, मां रतनगढ़ लोक। अब मां रतनगढ़ लोक वही बनेगा जहां पर मां रतनगढ़ का मंदिर होगा। जैसे महाकाल लोक कहां पर बना है? जहां पर महाकाल मंदिर है। तो रतनगढ़ लोक कहां बनेगा भाई? जहां पर ये मंदिर होगा। तो बताइए भाई कहां पर बनने वाला है? जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, मां रतनगढ़। देखिए माँ रतनगढ़ की जब बात होती है या किसी भी देवी को पूजने की बात होती है तो एमपी में एक जिला बहुत ज्यादा फेमस है, है ना? जैसे अभी अभी हमने बात की थी माँ पीताम्बरा की, तो माँ पीताम्बरा के साथ ही साथ माँ रतनगढ़ जो है ये कहाँ पर है भैया? दतिया में। जी हाँ, तो दतिया में ही इनके लिए क्या बनाया जाएगा? रतनगढ़ लोक भी बनाया जाएगा। बहुत सुंदर बनने वाला है ये। तो भाई कितने लोग हो गए? कुछ 4-5 लोग हमारे हो चुके हैं। महाकाल लोक हो चुका है, हनुमान लोक हो चुका है, रतनगढ़ लोक हो चुका है। एक ग्वालियर में जो लोग बन रहा है उसको आप अभी कमेंट भी कर ही देंगे, है ना? तो ये 4-5 कुछ फेमस लोग हमारे यहाँ के हो चुके हैं। चलिएगा, चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान हैज सेड दैट अ वंडरफुल फॉक ऑफ मैया ऑफ रतनगढ़ विल बी मेड इन द सेवधा एरिया ऑफ दतिया। ओके, एन अमाउंट ऑफ 5 crores विल बी सेंट फॉर दिस। 5 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। ही ऑल्सो अनाउंस टू सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ 5 crores फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेवधा नगर। ओके, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काई रन स्कीम रनिंग इन एमपी? कि भाई जो स्काई स्कीम चल रही है उसका फुल फॉर्म क्या है? है ना, स्काई जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है ना, तो इस स्काई का जो है फुल फॉर्म क्या है? सीखो और कमाओ योजना, सीखो और खेलो योजना, सबको कौशल योजना, है ना, या सफाई कर्मचारी योजना, क्या हो सकता है इसमें से? ये स्कीम हम पढ़ भी चुके हैं भैया। तो भाई स्काई स्कीम का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? सीखो और कमाओ योजना। क्या होगा? सीखो और कमाओ योजना। ये हमने पहले भी बोला था,
कब से चालू हुई है, लगभग ये 7 जून से इसकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है सीखो और कमाओ योजना की। इसमें क्या किया जाएगा, आपके जो भी स्किल्स है उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एज वेल एज हर मंथ आपको ट्रेनिंग के साथ साथ 8,000 से 10,000 रुपए ट्रेनिंग के दिए भी जाएंगे पर मंथ, है ना। सीखो और कमाओ योजना में आपको क्या दिया जाएगा, स्किल्स सीखने को मिलेंगे एज वेल एज आपको कमाने को भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था जो स्टूडेंट्स रहेंगे इसमें उनको 8 to 10K पर मंथ दिया जाएगा सीखने का, और जो टीचर्स रहेंगे उनको 30 to 35K जो है दिया जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ी थी, तो इसका पूरा नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो क्या है, सीखो और कमाओ योजना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द IFMIS नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट। IFMIS नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितने रुपए स्वीकृत किए, 300 करोड़, 400 करोड़, 488 करोड़ या 500 करोड़, बताइए। इसका फुल फॉर्म देख लो भैया पहले क्या है। IFMIS देखो MP जो को एक तरीके से पोर्टल स्टार्ट किया गया किसके द्वारा भैया, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है भाई, फाइनेंस से जो है ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सबसे पहली बात तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल आप इसे बोल सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है ये भाई। देखिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो क्या करता है भाई, उसको सैलरी मिलती है ना, उसको क्या मिलती है भैया, सैलरी मिलती है। अब जो उसको सैलरी मिलती है उस डायरेक्ट कहाँ आती है, वो अकाउंट में आती है। अब ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी होती है, और ट्रेजरी में क्या होता है, आपका पूरा लेखा जोखा जितना गवर्नमेंट के साथ आपका लेन देन हुआ है, हाँ कि भाई इतनी आपकी सैलरीज डली है, इतना आपका ड्यू है, या इतना आपका जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि क्या होता है, कई बार आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है ना, सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों को ये चीजें जानने के लिए कि भाई मेरे अकाउंट में या मेरी नौकरी से रिलेटेड कितना पैसा पड़ा है, कितना नहीं, बहुत सारी तकलीफें होती है, ट्रेजरी में जाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ की MP की ट्रेजरी कहाँ है भैया, भोपाल में, तो ये ना करना पड़े, इतनी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया है भाई, इस पोर्टल को स्टार्ट किया है जिसमें उनको आसानी से MP ट्रेजरी से अपनी सैलरी स्लिप मिल जाएगी, है ना, अपनी सैलरी स्लिप उनको आराम से मिल जाएगी, एज वेल एज अपने अकाउंट की जानकारी वो जो है आराम से ले सकते हैं, ट्रेजरी पे स्लिप को वो जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते, दैट इज IFMIS, राइट। तो भैया यहाँ पर इसने कितने रुपए दिए हैं, लगभग कितने रुपए की बातचीत हो चुकी है यहाँ पर, तो 488 करोड़ रुपीज, 488 करोड़ रुपीस जो है लगभग दिए जा चुके हैं। चलेगा इसके बारे में हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द बोरोवर, ये इसका फुल फॉर्म है। रिसेंटली इन द MP कैबिनेट मीटिंग 488 करोड़ रुपीस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दिस स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। पहले ट्रेजरी में इवन आपको ट्रेजरी में नाम तक चेंज करवाना पड़ना होता था ना, जैसे भाई पैसे के लिए आपने कोई नंबर, आपका एक परमानेंट नंबर दे रखा है, अब आपको वो नंबर चेंज करवाना, इनकेस वो बंद हो गया, कुछ भी हो गया, MP में आपको भोपाल जाना पड़ेगा, वहां जो ट्रेजरी के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बट अब ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, विच इज रियली नाइस। विच स्टेट टॉप्ड इन द टीकाकरण प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, टीकाकरण वैक्सीनेशन में। आप देखो यहाँ पर वैक्सीनेशन से केवल आपको जब भी वैक्सीनेशन की बात होती है ना, तो आपको कोविड का वैक्सीनेशन ही याद आता होगा, है ना भाई, दुनिया में और भी वैक्सीनेशन होते हैं कोविड को छोड़ के, ठीक है। वैक्सीनेशन कैसे, जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चे को टीके लगते हैं, है ना, बहुत सारी जैसे बीमारियां होती है, खसरा हो गया, और कौन कौन सी पोलियो वगैरह के लिए दवाई वगैरह पिलाई जाती है, ये सारी चीजें किस में आती है भाई, वैक्सीनेशन में आ गई हमारी, तो ये सारी चीजें फुल्ली वैक्सीनेशन में कौन सा, जहां लगभग सारे के सारे बच्चों को एक मोटी दर पे क्या कर दिया गया है, वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, उसमें सबसे टॉप पे कौन सा जो है हम कहें स्टेट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश रहा है। कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश MP हैज इमर्ज्ड एज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ इन हेल्थ केयर इनोवेशन थ्रू दिस ग्राउंड ब्रेकिंग टीकाकरण प्रोग्राम। अच्छा एक बात और, MP में कुछ हुआ हो या ना हुआ, देखो यदि हम बात करें किसकी, स्टूडेंट्स के तौर पे यदि मैं बात करूं, तो मुझे वाकई में अभी फिलहाल की जो स्कीम से वो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि एग्जाम्स में जो हो रहा है, बट हेल्थ में हमारा MP है ना, जो हेल्थ सेक्टर उसमें हमारा MP कई आगे है,
जी हाँ, हमारे इतने सारी मेडिकल फैसिलिटीज हो चुकी हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम, समथिंग 5 से 10 साल से हमारे इतने सारी मेडिकल फैसिलिटीज आ चुकी है कि हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, है ना। अभी भी मैंने आपको आयुष घर घर योजना, ये सारी मतलब कितनी सारी योजना है, कितनी सारी स्कीम्स है जो कि स्पेशली किन के लिए, ऐसे लोगों के लिए चलाई गई है जो कि जिनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। तो हेल्थ में तो हमारा एमपी आगे है ना। This ambitious initiative has not only improved healthcare services within the state but has also garnered attention on a national scale. The Tikakaran program success story stands as a testament of MP's dedication to public health and its commitment to enhancing the lives of the citizen. Okay. Who has recently released the book titled Vikas Jan Kalyan Ke Path Swaraj Ke Aage Bade Hum? Bataiye. ये जो बुक है विकास जन कल्याण के पथ स्वराज के आगे बढ़े हम का विमोचन जो है किसने किया है, पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई जब इनॉग्रेशन की बात आती है तो आपको भाई सीधे सीधे आप शिवराज सिंह या अमित शाह इनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बुक का जो किया गया है विमोचन, है ना, इस बुक का जो है रिलीज किया गया है किसने किया है भाई, श्री भारत सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे यहाँ के जो है पॉलिटिशियन है, बीजेपी से रिलेटेड पॉलिटिशियन है ये, है ना। और किसने किया भाई, भरत सिंह जी कुशवाहा ने किया है। चलेगा ये जरूर बात ध्यान में रखना। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द बुक टाइटल्ड सूर्यांश का पर्यान, क्या है, हाँ, रिटन बाय द राइटर एंड जर्नलिस्ट महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव जी द्वारा लिखा गया, ऑथर ऑफ मध्य प्रदेश एंथम। इन्होंने क्या लिखा, हमारे एमपी का एंथम लिखा हुआ है, वही 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 वही, हाँ जी वही वाला, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। जी हाँ चलेगा, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। Which of the following national park has been selected for the excellence award for tiger conservation? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? सबसे अच्छा बाघों का, टाइगर्स का जो है संरक्षण किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चारों के चारों जो है टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, एक नहीं है लेकिन उसके बारे में है नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पेच, पुनो, माधव या सतपुड़ा, तो ध्यान दीजिएगा सबसे अच्छा जो बाघों को पाला है वो पाला है कि इन्होंने भैया सतपुड़ा नेशनल पार्क है। किसने भाई, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा नेशनल पार्क के तो भाई क्या ही कहना है। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी मैम 1981 में। कब हुई थी इसकी स्थापना भैया, 1981 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा का मतलब क्या होता है आपको पता, सतपुड़ा जो वर्ड है ये किससे लिया गया है भाई, एक ये कहिए पाली भाषा का शब्द है, संस्कृत से पाली में ट्रांसफर हो। सतपुड़ा का मतलब होता है बेटा सात पर्वत। क्या अर्थ होता है इसका, सात पर्वत मतलब जहां लगभग लगभग सात, सतपुड़ा क्या है पूरी वैली भाई, वो क्या रेंज है, माउंटेन रेंज है, है ना। तो सतपुड़ा का मतलब क्या होता है, सात पर्वत। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कौन कौन से इसमें आता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, तो ये आता है हमारा नर्मदापुरा, नर्मदापुरा प्लस छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, इन दो डिस्ट्रिक्ट में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो नेशनल पार्क है ये आता है, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई ये टाइगर रिजर्व कब बना था, तो ये 1999 में जो है टाइगर रिजर्व बन गया था, है ना। टीआर टाइगर रिजर्व कब बना था, ये 1999 में जो है ये टाइगर रिजर्व आपके लिए बन गया था। दूसरी बात इसके बारे में आपको क्या याद रखना, देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी सी बात है हाथों पहले, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया भैया, डिस्कवर किया गया। डिस्कवर इसको कब किया गया, देखिए एक सिपाही थे, अंग्रेजी सिपाही थे, क्या उनका कुछ कैप्टन जेम्स फोर्सित नाम था उनका, हाँ कैप्टन जेम्स फोर्सित नाम के एक सिपाही थे, उन्होंने सतपुड़ा पर्वत को जो है खोजा था। किसने, कैप्टन जेम्स फोर्सित। मैम उन्होंने कैसे खोज लिया था, तो मैं आपको बताती हूँ, तात्या टोपे जी जो थे ना 1857 की जब क्रांति हुई थी, तात्या टोपे जी जो थे उनको ढूंढते हुए ये पर्वत श्रृंखला की खोज की गई थी। जी हाँ भाई, चूंकि इन्हीं घने जंगलों में, सतपुड़ा के घने जंगल बहुत है भाई, आपने देखे होंगे 100%, तो क्या किया गया था, उन्हीं को ढूंढते हुए इसकी खोज हुई थी। तो कौन थे वो, कैप्टन जेम्स फोर्सिथ थे। और यहाँ पर क्या क्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पर पांडव गुफा है ना, सतपुड़ा वाले एरिया में क्या है भैया, पांडव गुफा है, देनवा वाटर
वो है, बैक वाटर्स है, बहुत सारी चीजें जो है बैक वाटर है। नागद्वार स्वामी मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही क्या है, नागद्वार स्वामी मंदिर भी है, देनवा बैक वाटर्स भी है, एज वेल एज जो है यहीं पर क्या है पांडव गुफाएं भी। ऐसा कहा जाता है पांडव वहां पर रुके थे उस वाले काल में, महाभारत काल में। चलेगा ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने कर ली है ना कि सतपुड़ा कब बना, 1999 में बना था। ओके, द फेमस पन्ना नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ, मध्य प्रदेश में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपनी किस जनसंख्या के लिए जाना जाता है, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लायंस या टाइगर्स, बताइए भाई। तो यदि मैं बात करूं पन्ना नेशनल पार्क की, तो ये केवल भाई आपसे सबसे पहले पूछ लिया था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो पन्ना भाई, पन्ना टाइगर रिजर्व है तो पन्ना में तो होगा ही होगा, सॉरी पन्ना नेशनल पार्क है तो पन्ना में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कहां पर है भाई, छतरपुर, पन्ना के साथ साथ कहां पर है भैया, छतरपुर में भी ये स्थित है। यदि आपसे बात कर ली जाए कि कब स्टेब्लिश हुआ था, तो वही 1981 है इसका भी टाइम है ना, कब है भैया इसका भी टाइम, 1981 ही है ना। किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया ध्यान रखिएगा टाइगर्स के लिए, किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, वो है टाइगर्स के लिए, ठीक है। अब भाई मैं भी टाइगर रिजर्व कब बना था, टाइगर रिजर्व भी है तो ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व भी कब बना था, 1994 में, 1994 में जो है ये टाइगर रिजर्व बन गया था, जी हाँ 1981 में सतपुड़ा टाइगर, सतपुड़ा नेशनल पार्क के साथ ही ये बना था 1981 में, लेकिन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या हुआ था बाद में टाइगर रिजर्व बना, कब 1999 में, लेकिन ये पहले बन गया कब 1994 में, इज दैट क्लियर। चलिए अच्छा एक चीज और, यहां से जो है केन नदी होकर निकलती है, वो भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चोरल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश, भाई चोरल डैम बहुत फेमस आजकल, अब मैं आपको बताई देती हूँ, अब हम उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं ही सही है ना। चोरल जो डैम है ये कहाँ पर, कौन से एरिया में बेटा, महू के एरिया में है ना, महू के एरिया में, महू कहाँ है मैम, इंदौर, इंदौर के पास, बहुत ज्यादा भाई बारिश के सीजन में बहुत फेमस होती है ये जगह, क्यों, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, चोरल रिजॉर्ट भी एक बना हुआ जो कि बहुत सुंदर है, लगभग लगभग इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, वहां पर जाइएगा, बहुत अच्छी घूमने की जगह है ये। साथ ही यदि आपसे बात करें चोरल रिवर है ना, चोरल डैम किस पर बना हुआ, सीधी से बात मैम चोरल रिवर पर बना हुआ है ना, किस पर बना हुआ मैम, चोरल रिवर पे है, और चोरल रिवर किसके ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखना बेटा, चोरल रिवर जो ट्रिब्यूटरी है आपको यहाँ पे देखने में लगा होगा मैम चोरल ही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा, जी हाँ चोरल ट्रिब्यूटरी किसकी है, माँ नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, और लगभग लगभग दोनों के मीटिंग पॉइंट के थोड़े ही आगे जो है डैम बनाया गया है, तो कुल मिला के ये माना जाता है कि डैम किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द महेश्वरी सारीज आर नोन फॉर देयर exquisite craftsmanship in the state of Madhya Pradesh, which fabric are these sarees primarily made from? ये जो महेश्वरी साड़ियां होती हैं, है ना, महेश्वरी ये जो साड़ियां हैं ये कौन से फैब्रिक से बनी हुई होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, कौन से फैब्रिक से बनी होती है। सबसे पहले आपको एक बात है, तो साड़ी जो वर्ड है ना, साड़ी जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, कैसा वर्ड है बेटा, ये एक संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत का मतलब क्या होता है भाई, कपड़े का पट्टा, क्या अर्थ होता है इसका, कपड़े का पट्टा, साड़ी का मतलब क्या होता है, कपड़े का पट्टा, साड़ी कौन सा वर्ड है भाई, एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, कपड़े का पट्टा। आपसे यदि बात पूछ लिया जाए महेश्वरी साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, स्पेशली वो सिल्क होती है बेटा, अब जो ध्यान रखना, अब जो महेश्वरी साड़ियां बन रही वो प्योर महेश्वरी नहीं है, प्योर महेश्वरी रेशम नहीं है, अब उसमें जो है कॉटन मिक्स है, जी हाँ अब वो साड़ियां नहीं बन रही जो पहले बना करती थी, माँ अहिल्या के टाइम पे लेट 18th सेंचुरी की बात है, जब क्या होता था पूरा राजवाड़ा बना, और राजवाड़ा के अंदर ही जो है ये चलता है बनने का काम, आप जब क्या करते हैं राजवाड़ा से जैसे नीचे नर्मदा घाट की तरफ उतरते हैं आपको आपके जस्ट लेफ्ट हैंड पर जो है पूरा कारखाना दिख जाएगा जहां पर महेश्वरी साड़ियां बनाई जाती हाथ से बनाई जाती है ना। उस समय पे क्या होता था राजवाड़ा के अंदर ये बना करती थी, ये वाला राजवाड़ा नहीं, महेश्वर वाला जो मेन राजवाड़ा है वहां पर जो भी शाही क्या आते थे भाई, मेहमान आते थे, उनको ये साड़ीज स्पेशली गिफ्ट की जाती थी, ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई थी, और उन्हीं को क्या की जाती थी भैया, विशेष उपहार के तौर पर जो है ये दी जाती थी, राइट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका ट्रेडमार्क क्या है, तो आपको यदि पहचानना हो कि भाई मेन महेश्वरी साड़ी कैसी है, तो इसके ट्रेडमार्क में बुगदी लिखा होता है,
है ना, बुगदी वाली साड़ी, आप वहां जाके जो है मेन जो भी क्राफ्टमैन होगा उससे पूछ लीजिएगा भाई बुगदी वाली साड़ी तो मेन महेश वाली साड़ी जो है वही होती है। लगभग लगभग क्या होती है भैया, लगभग लगभग 9 गज की साड़ियां हुआ करती थी उस समय पे, अब नहीं है ना, जब उनको गिफ्ट की जाती तभी 9 गज की साड़ियां हुआ करती थी, अब नहीं। साड़ियों की एक और चीज याद रखना साड़ियों के लिए, फिर भैया मैंने थोड़ी ज्यादा ही रिसर्च करा कि साड़ियों के ऊपर, यदि आपसे पूछ लिया साड़ियों की रानी किसे कहा जाता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो ध्यान रखना पेठनी साड़ी जो होती है ना सिल्क की होती है, वो भी सिल्क से मुझे याद है, पेठनी जो साड़ी होती है, पेठनी जो साड़ी होती है ना इसे क्या कहा जाता है, साड़ियों की रानी कहा जाता है, और ये भी किससे बनी होती है, सिल्क की होती है ना। महेश्वरी साड़ियां भी सिल्क की होती है, बट अब वो सिल्क की नहीं होती, अब उसमें कॉटन मिक्स होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द भवंतर भुगतान योजना इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, भवंतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, हेल्थ, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, बताइए भवंतर भुगतान योजना है क्या। देखिए सबसे पहली बात तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किस रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कई साल ऐसा होता है फसल नहीं हो रही अच्छी, या हुई भी है बारिश वगैरह की वजह से, तो भाई उनको सही रेट्स में जो है बेचा नहीं जा रहा है, इससे क्या होता है किसान जितनी लागत लगाते हैं उनको उतना पैसा वापस मिलता नहीं है। आपने देखा होगा आए दिन किसान क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्यों भाई कर्जा बढ़ जाता। तो उन सारी चीजों को जो है हटाने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने भवंतर भुगतान योजना चलाई है, जिसमें क्या होता है कि जो भी फसलों की कीमत में जो भी गिरावट आती है सरकार बाजार में मिलने वाले भाव के तथा क्या होता है मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस होता है कि भाई लगभग इतने में तुम्हारी फसल बिक रही है, इतने का तुम्हारा जो है मुआवजा है, मतलब ये एक चीज से कह दीजिए इतने की आपकी लागत है ना, तो वो जो डिफरेंस होता है पैसों का, जितनी उनकी मिनिमम कमाई होती है वो किसानों को क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है, ताकि उनको घाटा ना हो एक तरीके से, उनका जो है जीवन चल जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या की जाती है, भवंतर भुगतान योजना चलाई जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश इज डेडिकेटेड टू द क्लासिकल म्यूजिक लेजेंड, भाई तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल किस शास्त्रीय संगीत जो है, किस दिग्गज को जो है वो है, क्या कहते हैं हम, डेडिकेटेड है, तो भाई नाम से यहाँ तो स्पष्ट हो चुका है कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, इसको डेडिकेटेड है तानसेन जी को। कब किया जाता है, एवरी ईयर भैया, हर साल जो है ये किया जाता है, एवरी ईयर कब किया जाता है भाई, दिसंबर में, है ना, एवरी ईयर दिसंबर में ये किया जाता है, लगभग लगभग कितने डेज का होता है, लगभग लगभग 4 डेज का होता है तानसेन संगीत समारोह। इनका जो समाधि स्थल है उसी के पास जो है ये किया जाता है, कहाँ पर भाई, नियर टॉम्ब ऑफ तानसेन, कहाँ पर, अच्छा ये चालू किसके द्वारा किया गया था, ये जो समारोह है ये चालू किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा बीवी केसकर नाम के व्यक्ति थे, है ना, बीवी केसकर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस तानसेन समारोह के लिए इनिशिएटिव किया था, उन्होंने तानसेन समारोह के लिए क्या किया था, इनिशिएटिव किया था। इनका जो समाधि स्थल है टॉम जो है तानसेन जी का, उसके पास में ही ये मनाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप जानते हैं कि मैम सीधी सी बात है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है, माँ नर्मदा, जी हाँ कौन है, माँ नर्मदा, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं इस पर। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार ऐसा होता है गलती से जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, है ना, तो आप जानते हैं कि भाई कहाँ पर लगता है, उज्जैन में क्यों लगता है, सिंहस्थ पे लगता है भाई, क्या होता है बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है 12 साल के अंतर में, तो यहाँ पर क्या लगता है, वो कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल्स और उज्जैन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको दी हुई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, अब आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, हिंदी, मराठी, संस्कृत या उर्दू, तो मैम मराठी से तो मध्य प्रदेश का कोई लेना देना है नहीं, है ना, उर्दू भी हमको बोलना आती है नहीं, है ना, संस्कृत और हिंदी तो मैम संस्कृत का तो लगभग अस्तित्व ये नहीं कहेंगे कि ऐसे समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई बोलता नहीं, तो आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी वो क्या है, हिंदी, कौन सी है, हिंदी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल सिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट एरोटिक स्कल्पचर ऑन इट्स टेम्पल, अपने मंदिरों पर जटिल लौकिक मूर्तियों के लिए कौन सी जगह जानी जाती है, इसके बारे में तो हम बहुत ही डीपली घुस के आ चुके हैं,
कौन सी जगह जानी जाती है भाई? उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो या मांडू? मांडू जो है इसके महलों के लिए जाना जाता है, रानी रूपवती का महल, बाजवादुर का महल, हिंडोला महल है ना, जहाज महल आप बोल सकते हैं, बहुत सारी इन जगहों के लिए जाना जाता है। लेकिन 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 बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन जो है अपने टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन वो टेम्पल्स ऐसे नहीं है, उनमें कोई ऐसी आकृति नहीं है जिसके लिए वो फेमस हो, वो वहाँ की भाई एक हमारे क्या है उनसे इमोशनल अटैचमेंट्स है ना, रिलीजियस बिलीफ्स हमारे जो है उज्जैन से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर में, ग्वालियर जो मेनली फेमस है वो इसके फोर्ट के लिए है ना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है ग्वालियर के फोर्ट को। तो भाई कहां पर है खजुराहो जो है, ये इसके जो स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं खजुराहो के मंदिर, बहुत सारे मंदिर, लगभग उस सेंचुरी के 86 मंदिर्स का रिकॉर्ड रहा है ना, 86 जो टेंपल्स का जो है रिकॉर्ड रहा है। सारी की सारी डिटेल हमने खजुराहो के चंदेलवन से रिलेटेड है ना, सबसे बड़ा कंदरिया महादेव, विद्याधर, यशोवर्मन है ना, धंगा, इन सब ने मिलकर बनवाया, सारी डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में। लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉन एट द एज द सिटी ऑफ फ्लेक्स? सिटी ऑफ फ्लेक्स, मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ फ्लेक्स किसे कहा जाता है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? बताइए भाई, मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ फ्लेक्स, ऑल ओवर इंडिया का सिटी ऑफ फ्लेक्स आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? भोपाल को कहेंगे क्या? देखिए मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ फ्लेक्स तो क्या जाना जाता है भाई, भोपाल को जाना जाता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का सिटी ऑफ फ्लेक्स क्या है आपका? उदयपुर है। जी हाँ, क्या कहेंगे? उदयपुर को हम कहेंगे सिटी ऑफ फ्लेक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया का, और एमपी का कौन है भाई? भोपाल। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने आज कुछ 20 क्वेश्चंस वापस से डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एज वेल एज हम लोगों ने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा उन पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि एमपी का करंट अब जो है आपके कॉन्स्टेबल एग्जाम में भी पूछे जाने वाला है, एज वेल एज आपका जो है प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है एमपीपीएससी का, और आपसे जो पूछा जाता है लगभग लगभग 5 से 6 महीने के अंदर का करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, लगभग लगभग 5 से 6 महीने के अंदर का जो करंट अफेयर होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी तक यदि आप क्लास को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, मजाक मस्ती में पढ़ रहे हो, तो आप मजाक मस्ती में मत लेना, अब जो है इन चीजों को वन बाय वन नोट करते जाना, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फटाक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारे क्वेश्चन की जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।